सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि टॉलविन लाइट में आईड लगा के छोड़ दो और एक साल में 1,22,700 आपको मिल जाएगा बिना कुछ काम करे हुए। और मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि इसमें मैंने मात्र 2 महीने पहले आईडी लगाई और 2 महीनों के अंदर यहां से मैंने 40,000 से ज्यादा कमाया है बिना कुछ काम करे हुए। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें बताया है और समझाया है। ठीक है, बाकी आज की वीडियो हमारी होने वाली है इस टॉपिक के ऊपर कि भाई टॉलविन लाइफ से बैंक अकाउंट में पैसा आता है या नहीं आता। बिकॉज उस वाले वीडियो के कमेंट में आप लोगों ने, काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भाई चलो आपने ये तो बता दिया कि भाई टॉलविन से पैसा 1,22,700 आता है। ठीक है, और इसमें डेली अगर थोड़ा बहुत काम करो तो डेली का 2 से 3 हजार भी आता है, लेकिन ये बैंक में पैसा कैसे आता है? क्योंकि वो तो डॉलर में आता है, आपके डैशबोर्ड में डॉलर में रहता है, तो इंडियन करेंसी में हमारे बैंक में पैसा कैसे आएगा? तो प्रिंस भाई, इसके ऊपर एक वीडियो बना दो। सो गाइस, आज की वीडियो बेसिकली इसी के ऊपर है और मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, अपना स्क्रीन शेयर करा, अपना बैंक का स्टेटमेंट दिखाया, सब कुछ दिखाया है, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके, तभी आप लोग पैसा लगाओ टॉलविन में, तभी आप लोगों को भरोसा हो। ठीक है, क्योंकि भाई देखो, ऑब्वियसली बात है भाई, मेरे चैनल पे 20,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है जो कि मेरे पे भरोसा करते हैं। तो भैया, मैं कभी नहीं चाहूंगा जिंदगी में कि मेरे वजह से उन बंदों का 1 रुपए का भी नुकसान हो या फिर वो उनको किसी गलत दिशा में जाए। ठीक है, तो मैं हमेशा अपने दोस्तों को, अपने सब्सक्राइबर्स को हमेशा सही रास्ता दिखाता हूँ, इसीलिए मैंने वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से बताया है। और जो तरीका मैंने बताया, जैसे मैंने बताया, सेम टू सेम आपको भी वैसे ही करना है पैसा विड्रॉल करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन पूरा देखना बिना 1 सेकंड भी स्किप करे हुए, वरना बाद में कह के बजाना कमेंट में मुझसे आप लोग कि प्रिंस भाई मेरा तो पैसा ही नहीं आया, मैं तो पैसा ही नहीं कमा पाया। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना बिना 1 सेकंड को भी स्किप करे हुए। ठीक है, सो आ जाओ फोन की स्क्रीन पे। सो गाइस, आगे की जो स्क्रीन है मैंने उसको उल्टा घुमा दिया। ठीक है, और आपको फोन को उल्टा करके देखना पड़ेगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने उसको छोटा नहीं करा, छोटा इसलिए नहीं करा बिकॉज उसमें छोटे छोटे लिखे रहते, फिर आप देख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। ठीक है, तो मैंने उल्टी स्क्रीन कर दी है, तो अपने फोन को उल्टा घुमा के, उल्टा करके देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी आओ स्क्रीन पे। ओके, सो गाइज, अभी हम देखेंगे कि भाई टॉलविन से पैसा बैंक अकाउंट में आता है या नहीं आता है। बात करूंगा मैं बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ, आपको मैं लाइव दिखाऊंगा, अपने बैंक स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, जिससे कि आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं कि भैया पैसा आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ टॉलविन लाइफ मेरा अकाउंट। ठीक है, हम चलते हैं, सब कुछ बेसिक लेवल से दिखा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझोगे। ठीक है, सो गाइज, यहाँ से जो है बेसिकली मैं लॉगिन कर लेता हूँ पहले अपना अकाउंट, आपके सामने लॉगिन कर रहा हूँ, देख सकते हो आप। ठीक है, मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंस राजपूत 18। ठीक है, मेरे अकाउंट में जो भी ये $298 है। ठीक है, और जो मैंने कल ही विड्रॉल कर लिया था, मतलब कि कल मैंने वीडियो बनाने के लिए, चेक करने के लिए $10 मैंने विड्रॉल करे थे। ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि भाई मुझे विड्रॉल करके दिखाओ प्रिंस भाई, विड्रॉल करके दिखाओ कि पैसा आता है नहीं आता, आता है नहीं आता। ठीक है, तो मुझे भी नहीं आता था, तो मैंने पहले सीखा। ठीक है, जाना मैंने कि विड्रॉल कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब मुझे बेसिकली दूसरी चीज़ आता था, तो मैंने विड्रॉल बैंक में करा और फाइनली आज वीडियो आपके लिए आ गई है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो आप देख सकते हो इस टाइम जो हमारे अकाउंट में बैलेंस है वो $298 है, जिसको हम विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन होता है इस पैसा को विड्रॉल करने के लिए। ठीक है, पहला जो ऑप्शन होता है कि डायरेक्ट आप यहां से विड्रॉल कर सकते हो, यानी कि जो हम ये डॉलर्स है, ठीक है, तो डॉलर्स को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके वहां से विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन आ जाता है, दूसरा ऑप्शन हमारा ये आ जाता है कि जैसे मान लो कोई बंदा हमसे आईडी बनवा रहा है, ठीक है, 25 रुपये की इसकी आईडी बनती है, तो कोई बंदा जो है हमसे आईडी बनवा रहा है, तो आईडी जब वो बनवाने के लिए आपको 25 रुपये भेजेगा, तो उस 25 रुपये को आप लोग अपने पास रख लो और जो आपके पास ये डॉलर्स है ना, इस डॉलर से उसकी आईडी बना दो, यानी कि इसमें से $30 कट जाओ, 2500, मतलब जो $30 होता है। ठीक है, तो आप उससे 25 रुपये ले लो, लेने के बाद अपने डॉलर में से $30 से उसकी आईडी बना दो। ठीक है, जिससे कि उसकी आईडी बन जाएगी और आप अगर आपके लिंक के थ्रू बनेगा तो आपके पास $15 वापस आ जाएगा। ठीक है, $15 जो स्पॉन्सर बोनस होता है वो आपको वापस आ जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें जो 2 तरीके होते हैं पैसा विड्रॉल करने के लिए, इसे डॉलर को विड्रॉल करने के लिए, पहला वाला जो ऑप्शन था कि टॉलविन लाइफ से विड्रॉल कर, इसमें लेकिन एक नुकसान है आपका। नुकसान क्या है मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ लाइव प्रूफ के साथ। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ फंड एरिया में, और फंड एरिया में एक ऑप्शन है विड्रॉल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, $298 $8, मतलब जो अभी करंट जो इंडियन रुपीज में $1 का जो चल रहा है, मैं दिखा देता हूँ कितना चल रहा है। ठीक है, हाउ मेनी, यहाँ देख सकते हो हाउ मेनी रुपीज़ इन $1, $1 में जो है
81 रुपये हैं इंडियन रुपीज़ के हिसाब से आज के टाइम में, अभी के टाइम में, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा कितना पैसा हमारे अकाउंट में है, ठीक है। तो हमारा जो है 298 × 81, ठीक है। तो हमारा जो है 24,138 रुपये हमारे ही अकाउंट में बैलेंस है, जिसको हम विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। 24,000 कितना है, 24,188, ठीक है, 138, ठीक है, जिसको हम विड्रॉल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है, अगर हम डायरेक्ट टॉलविन से विड्रॉल करते हैं तो हमारा यहाँ पे एक चीज़ है, क्या है ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो आप, ठीक है। क्या है, मिनिमम $10 कैन बी विड्रॉल, 15% विल बी डिडक्टेड एज ट्रांजेक्शन फीस ऑन एवरी विड्रॉल, ठीक है। तो सबसे पहला कि यहाँ पे विड्रॉल करने के लिए सबसे पहले जो है हमारे पास मिनिमम $10 होने चाहिए, तो हमारे तो भैया 298 है, ठीक है, तो अपने पास तो है। और मेन कि विड्रॉल जब आप करोगे ना डायरेक्ट टॉलविन से, तो आपका 15% जो है सिस्टम काटता है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया नहीं था कि मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे कि भाई इसमें सिस्टम क्या कमाता है, सिस्टम क्या कमाता है, जब सब कुछ बंदों को दे देता तो सिस्टम क्या कमाता है। तो भैया सिस्टम ये कमाता है, ठीक है, जो आप पैसा विड्रॉल करते हो ना उसका 15% काटेगा, चाहे आप कितने भी डॉलर विड्रॉल करो, 500, 700, 1000, 12000, 5000, उसका जो भी 15% होगा वो आपका टॉलविन काट लेगा, ठीक है। तो हमारा कितना है, हमारा जो अमाउंट था 24,000 रुपये था, ठीक है। अब देख लेते हैं 24,000 का 15% कितना होता है, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 15% ऑफ 24,138, ठीक है, ये तो हमारा जो है 15% 24,000, मतलब 24,000 का जो है हमारा 15% कितना हो गया, 3,620 रुपये, ठीक है। इंडियन करेंसी में जो है हमें टॉलविन वालों को 3,620 रुपये देने पड़ेंगे इस पैसा को विड्रॉल करने के लिए, ठीक है। तो अभी इस पैसे को बचाने का एक ऑप्शन है, मतलब अगर आप चाहते हो कि टॉलविन वालों को, मतलब टॉलविन जो सिस्टम है उसको आप ये पैसा ना दो, ठीक है, 3,620 रुपये ना दो, सारा पैसा आप ही लो, तो उसका ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आप। उसका ऑप्शन क्या है, उसका ऑप्शन ये है कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो बंदे आपको पेमेंट के लिए, मतलब आईडी के लिए, आईडी बनाने के लिए आपको पेमेंट देंगे, ठीक है, तो उन बंदों की पेमेंट आप अपने पास रख सकते हो, और रखने के बाद अपने डॉलर में से उनकी आईडी बना सकते हो, जैसे कि मैंने किया भी है यहाँ पे, जैसे मैंने पहले किया था, तो मैंने कैसे किया था दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। फंड एरिया में गया, फंड एरिया में जाने के बाद यहाँ पे विड्रॉल हिस्ट्री पे जाता हूँ, ठीक है। विड्रॉल हिस्ट्री पे जैसे ही मैं जाता हूँ गाइज, आपके सामने अभी ध्यान से देख लेना, ये देखो इतने पैसे जो है विड्रॉल हुए, अभी ध्यान से देखना कैसे कैसे विड्रॉल हुए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने, जो मतलब मेरे नीचे किसी के बंदे की आईडी बनाई थी, तो मुझे $15 आया था, $15 को मैंने बूस्टिंग में डाल दिया, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बूस्टिंग, ठीक है। तो इस जो बूस्टिंग में आता है, जो हम बूस्टिंग में डालते हैं ना, तो वो भी आपका विड्रॉल में काउंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने $15 आया, यहाँ भी मैंने बूस्टिंग डाला, तो कहने का मतलब है 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 जो है मैंने बूस्टिंग में डाल दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे $30 का यहाँ पे क्या किया हमने, $30 पे यहाँ पे लिखा रहा कन्वर्ट P2P वॉलेट, यही है, ठीक है। P2P का मतलब पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो बेसिकली गाइज ये कि जैसे कि बंदों ने मुझे पेमेंट किया था, तो उनकी आईडी बनाने के लिए मैंने अपने डॉलर में से ही उनकी आईडी बना दी थी, ठीक है। तो ये जो है $30, देखो $30, तो मैंने बताया था ना आपको टॉलविन वालों को हमें $30 देने होते हैं, तो टॉलविन को मैंने $30 भेजा था, ठीक है, और $30 में से $15 मेरे पास वापस आ गया था, क्योंकि मैं उसका स्पॉन्सर था। तो $15 जो मुझे आया था उसका भी मैंने फिर से बूस्टिंग में डाल दिया था, ठीक है। और ये है $10 जो मैंने कल विड्रॉल किया था। आज कितनी तारीख है, आज 4 मार्च है, और 3 मार्च को मैंने $10 विड्रॉल किया था अपने बैंक अकाउंट में, आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि आप लोगों की क्वायरीज आ रही थी कि भाई बैंक में पैसा आता है नहीं आता है, ठीक है। तो यहां देख सकते हो $10 जो है ये मैंने कल आप लोगों के सामने दिखाने के लिए मैंने उसको बैंक में विड्रॉल किया, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बूस्टिंग नहीं लिखा हुआ है, ना ही यहाँ पे P2P लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, USDT, जो कि US की करेंसी होती है, ठीक है, जो कि जैसे हमारी इंडिया की INR है, ठीक है, तो US की होती है USDT, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने $10 यहाँ से, मतलब कि यहाँ से मैंने वो किया था, कन्वर्ट किया था, ठीक है। अब इस पैसा को बैंक में लाने के लिए कैसे करेंगे, इस पैसा को बैंक में लाने के लिए हमें बाइनेंस का यूज़ करना होता है, ठीक है। बाइनेंस आप सभी लोग जानते हो, ठीक है, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। बाइनेंस बेसिकली एक मनी एक्सचेंज, जैसे कि आपको पता है इंडियन में, जैसे कि आप इंडिया में रहते हो, ठीक है, इंडिया में जैसे कि आपके पास नेपाल के नोट्स हैं, अमेरिका के नोट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के नोट्स हैं, तो उस नोट्स को चेंज करवाने के लिए एक बेसिकली एक शॉप होती है, एक दुकान होती है, एक बैंक होते हैं, ठीक है, जहाँ पर वो आपके नोट्स एक्सचेंज हो जाते हैं। तो वैसे ही ऑनलाइन जमाने में ऑनलाइन करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए भी कुछ ऐप्स होती हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे BINANS, बाइनेंस, ठीक है, यहाँ पे जो है ये रहा बाइनेंस, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है जो कि आपके डॉलर्स को इंडियन करेंसी में चेंज करके आपके बैंक अकाउंट में देता है। बेसिकली ये क्रिप्टो एक्सचेंज है, ठीक है, बेसिकली जो है क्रिप्टो एक्सचेंज है, यानी कि जो आपका डॉलर है ना, ये क्रिप्टो एक्सचेंज, मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग होती है,
अगर मैं रियलिटी में बताऊं आपको, ट्रेडिंग होती है। तो जो आपके पास डॉलर है ना गाइस, वो डॉलर जो है आपको यहाँ पे सेल करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये कितने डॉलर है, ठीक है, मेरे पास जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, दोबारा दिखा देता हूँ, कितने थे रिक्वेस्ट, 298 डॉलर्स है, ठीक है। अब देखो 299 हो गया, अभी किसी ने मुझे पैसिव इनकम आया, तो भाई यहाँ से ना बिना कुछ काम करे डेली का मुझे 1000-2000 पैसिव डेली आता है, ठीक है। अभी आपके सामने 298 था ना, अभी देखो 299 हो गया, ठीक है। तो 299 को मुझे विड्रॉल करना है, तो विड्रॉल करने के लिए मुझे यहाँ पे इन सभी डॉलर को ना बाइनेंस में सेल करना होगा, ठीक है, जो कि तुरंत सेल हो जाता है, मिनटों में सेल हो जाता है, ठीक है। खरीदने वाले ट्रेडिंग में आपको पता लो कितना रहते हैं, ठीक है। तो बस आपको बाइनेंस में अपना अकाउंट बनाना होता है, और अकाउंट बनाने के बाद अपना KYC वेरिफिकेशन करवाना होता है, पूरा बैंक डिटेल डाल के, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है आपको सारे डॉलर्स आपको यहाँ पे सेल करने होते हैं, और सेल करने के बाद जो है आपका जो पैसा है डायरेक्ट आपके जो भी मतलब अपनी बैंक डिटेल डालते हो, पेटीएम डालोगे या बैंक डिटेल डालोगे, जो भी डालोगे वहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको जीमेल दिखा देता हूँ, ठीक है, मैंने अपना बाइनेंस पे अकाउंट बनाया था, तो ये देखो मेरे पास बाइनेंस से कितने मैसेज आए, ठीक है। मतलब कि जब मैं कर रहा था, ठीक है, तो मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए कोड आ रहा था, मतलब काफ़ी चीज़ें मांगी थी मेरे से जो कि आपके सामने है, ठीक है। बाइनेंस लिखा हुआ ना यहाँ पे, बाइनेंस, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ आपको मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ जो कि मेरे पास आया था, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और गाइज, एक चीज़ और, अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो भी पैसा आप विड्रॉल करोगे टॉलविन वाले जो है उसका 15% काटेंगे, कितना काटेंगे 15%। तो मैंने यहाँ से जो विड्रॉल किया था, मैंने विड्रॉल किया था गाइज $10, ठीक है। तो $10 यानी कि 81, ठीक है, 81 इंटू कितना 10, ठीक है। तो हमारा 810 रुपये बन रहा था। हमें पैसा कितना आया हमारे अकाउंट में, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि हमारे अकाउंट में जो है पैसा कितना आया है। $810 है, तो इसका जो है 15% टॉलविन वाले काट लेंगे तो कितना आएंगे ये भी मैं दिखा देता हूँ। 810 का 15% ऑफ, ठीक है, 15% ऑफ 810 रुपये, ठीक है। यहाँ पे 121 रुपये के समथिंग जो है, लेकिन टॉलविन इससे थोड़ा ज़्यादा ही कटा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए फ़ायदा रहता है कि विड्रॉल ना करो, P2P करो आप, ठीक है। तो ये देखो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए थे जो कि मैंने भेजे थे, और मतलब कि आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे जब मेरे आ गया था बैलेंस, ठीक है। ये देखो गाइस, यहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो कितना आया, 66920, मतलब 670 रुपये आया। यहाँ पे आप देख भी सकते हो क्या लिखा उसके नीचे, सक्सेसफुली सोल्ड, ठीक है। यानी कि जो मेरे $10 थे ना, वो जो है सक्सेसफुली मैंने बेच दिए, और यहाँ पे जो मतलब कि वहाँ से मैंने टोटल जो है टॉलविन से $10 किया था, और मेरे यहाँ पे कितना ऐड हुआ था, 7.74, मतलब 15% काट के, यानी कि $10 का अगर आप 15% करोगे तो 7.74 USDT, यानी कि US की जो करेंसी होती है US की, ठीक है, डॉलर्स। तो ये हो गया, मतलब कि $10 मैंने वहाँ से रिलीज़ किया था, मेरे इस बाइनेंस वाले अकाउंट में कितना आया, $7 आया, $7.50 से थोड़ा ज़्यादा आया, ठीक है, जो कि इंडियन करेंसी में 670 रुपये के समथिंग बनता है, ठीक है, 670 रुपये। तो ये जो है वहाँ से मैंने $10 विड्रॉल किया था, और ये बाइनेंस में मैंने पेटीएम में यहाँ पे और भी दिखा दो, तो मैंने काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स लिए थे आप लोगों को दिखाने के लिए, बिकॉज आप लोगों के बोल लेते प्रिंस भाई लाइव दिखाओ, ठीक है। तो मैंने लाइव दिखाने के लिए सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने ले लिए थे, ठीक है। ये देखो 7.74 USD जो है मैंने सेल कर दिया था, मतलब जो मेरा ट्रेडिंग में है ये मैंने सेल कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखो मेरे पेटीएम में भी मैसेज आ गया था, क्या मैसेज आया था, ₹699, ठीक है। और जिस बंदे ने मेरे ट्रेड को सेल किया था उसका नाम आई थिंक लवप्रीत था, उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, हमको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो है पेमेंट करने से पहले ऑप्शन आ रहा था, प्लीज़ कन्फर्म पेमेंट इज़ रिसीव्ड, मतलब जिस बंदे ने मुझे मेरी ट्रेड को मतलब खरीदा था ना, उसने मुझे पेमेंट पेटीएम पे मुझे पेमेंट किया था, तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा था कि भाई आपके पास पेमेंट आ गया है, तो यहाँ पे रिसीव मतलब एक्सेप्ट कर लो कि हाँ जो है उस आपके पास पेमेंट आ गया। और जिसने मुझे यहाँ पे देखो लिखा भी आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, बायर्स नेम, यानी कि आपके ट्रेड को किसने खरीदा है, ठीक है। तो बायर नेम में क्या आ रहा है, लवप्रीत सिंह, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नेम, मतलब कि जिसने ट्रेड बेचा है, प्रिंस कुमार यानी कि मेरा नाम, ठीक है, मेरा चैनल, और ये मेरा UPI ID है जो कि मैंने पेटीएम का डाला था, यानी कि जो मेरे पेटीएम में पैसे आए हैं, ठीक है। तो जिसने मेरे ट्रेड को खरीदा उसका नाम लवप्रीत था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरे पेटीएम में भी पैसे आए हैं वो भी दिखा देता हूँ, ध्यान से देखो यार, ये रहा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पेटीएम में मुझे कितने रुपए आए, 669 रुपीज़ आए हैं इंडियन करेंसी में, ठीक है। और किसने भेजा मुझे, लवप्रीत सिंह ने, ठीक है। तो यहाँ से गाइज आप लोगों ने देख लिया कि भाई जो पैसा है टॉलविन में वो आपके बैंक अकाउंट में भी आता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ से विड्रॉल करो या P2P करो, ठीक है। P2P मतलब बंदे अगर आपके से ID बनवाना चाहते हो तो उनका पैसा अपने अकाउंट में रख के अपने डॉलर से उनकी ID बनवा लो, इसमें यह होगा कि आपका 15% बच जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट विड्रॉल करोगे यहाँ से तो आपका 15% ज़्यादा लगेगा, ठीक है, बस ये चीज़ है, ठीक है। तो गाइज अभी जो है मैंने आप सब कुछ आपको
लाइव प्रूफ दिखा दिया है, ठीक है। बाकी अगर आपके कुछ और डाउट्स है, कुछ भी है, तो आगे कमेंट्स आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको सीखना है या फिर जानना है कि बाइनेंस में अकाउंट कैसे बनाएं और वहाँ पे बाइनेंस में विड्रॉल कैसे करें, तो उसके ऊपर मुझे कमेंट कर देना, मैं वो भी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में मैंने पर्सनली आपको दिखा दिया कि भैया टॉलविन लाइव से जो है बैंक अकाउंट में भी पैसा आता है, ठीक है। और ये जो $299 देख रहे हो ना भैया, बिना काम करे का पैसा है ये, बिना कुछ काम करे पैसा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, एक चीज और दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे एक्टिवेशन डेट आप देख सकते हो गाइस, एक्टिव मतलब कि मेरी आईडी कब एक्टिवेट हुई थी, दिसंबर के महीने में 2022 के महीने में हुई थी, और अभी मार्च चल रहा है, यानी कि 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीनों में जो मेरी इनकम है टॉलविन लाइव से, टोटल इनकम जो है $505 है। $505 को अगर इंडियन रुपीज में हम कन्वर्ट करें, ठीक है, तो 81 × 505 40,000 रुपये, ठीक है। 40,000 रुपये टॉलविन से आया है मुझे मात्र 2 महीने में। वो भी कितने बंदों को जोड़ के भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, कितने बंदों को मैंने गिन के जोड़े हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिव रेफरल। एक्टिव रेफरल का मतलब कि इतने बंदों को जो है मैंने ज्वाइन करा है, मात्र गिन के 13 बंदों को मैंने ज्वाइन करा है, और 13 बंदों से जो है मुझे 40,000 का प्रॉफिट हुआ है मात्र 2 महीने में, ठीक है। और अभी तो भाई पूरा मैंने आपको बताया था, 1 साल तक का भी हमारे पास टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे सारा मतलब सारा डाटा यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, देख भी सकते हो, ठीक है, कि विड्रॉल वॉलेट सब कुछ आपके सामने है। तो भाई टॉलविन से सच में पैसा आता है और आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आओ आगे बात करते हैं। सो गाइस, जैसा आपने पीछे वाले वीडियो में देखा कि मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया कि भैया पैसा बैंक अकाउंट में आता है या नहीं आता, और कैसे आता है, सब कुछ मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है और डिटेल में बताया है, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपका सारा मन का डाउट क्लियर हो चुका होगा कि भैया पैसा सच में टॉलविन लाइव से आता है और आप भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको और भी कुछ जानना हो, और भी कुछ समझना हो, या किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, मन में कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेशन आप लोगों के लिए खोल रखा है यार, जाओ कमेंट करो, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन मेरे से पूछो, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो, अगर आपको भी टॉलविन लाइव स्टार्ट करना है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मेरे से कांटेक्ट करने का रास्ता आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।